3:45 पर प्रयागराज पहुंचना है गंगा यात्रा को। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इसमें शामिल होंगे। कई मंत्री कई नेता इस यात्रा में शामिल होंगे। यमुना पार के 11 स्थानों पर स्वागत की तैयारियां भी कर दी गई हैं। यात्रा के रास्तों में स्वच्छता के स्लोगन भी दिखाई देंगे। सीएम योगी की यमुना पार में जनसभा को भी होना है। यूनाइटेड कॉलेज में सभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम संगम तट पर जाकर गंगा पूजन भी करेंगे और इसी के साथ परेड मैदान में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। काशी में आईआईटी बीएचयू ने एक बड़ा काम कर दिखाया है। यहां पर आईआईटी बीएचयू के शोध छात्रों की मेहनत ने मशरूम से एक ऐसा टैबलेट इजाद किया है जो गंगा की बैक्टीरिया को नष्ट कर देगा। इस रिपोर्ट को देखिए। उत्तर प्रदेश में गंगा यात्रा निकालकर योगी सरकार पूरे प्रदेश को गंगा सफाई के लिए जागरूक कर रही है। गंगा सफाई के लिए करोड़ों रुपए का बजट जारी होता है और हर साल करोड़ों रुपए खर्च भी होते हैं, लेकिन वाराणसी में आईआईटी बीएचयू के छात्रों ने एक ऐसा आविष्कार किया है जिसकी हर ओर चर्चा है। असल में यहाँ के छात्रों ने मशरूम से एक ऐसी टैबलेट बनाई है जो गंगा में फैले बैक्टीरिया को खत्म कर देगी और गंगा को साफ करेगी। में जो कोई भी इंडस्ट्री है या वेस्ट वाटर है तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, तो इसको इंडस्ट्रियल लेवल पे अगर प्रोडक्ट करेंगे यूज, तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में इसको बीज को डालेंगे, जो भी हैवी मेटल्स होंगे और सारी इम्प्योरिटी होंगी, तो इनको क्या करेगा, ये अपनी सरफेस पर एडजॉर्ब कर लेगा, मतलब निकाल देगा जो वेस्ट वाटर है उससे जो भी हैवी मेटल्स हैं, जो बहुत टॉक्सिक हैवी मेटल हैं, वो ज़्यादा बहुत से कैंसर काज करते हैं, वो सब का करते हैं, तो उनको क्या करेगा, ये सरफेस अपनी एडजॉर्ब कर लेगा और वेस्ट वाटर से अलग कर देगा। टैबलेट को बनाने के लिए प्लूटो रस फ्लोरिडा नाम के मशरूम को चुना गया। इस पाउडर में 4 तरह के रसायन का प्रयोग कर तैयार किया गया मशरूम प्रयोग के लिए लैब में ही उगाया गया। इसके लिए मध्य प्रदेश स्थित नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड से दूषित पानी लाकर उसमें चावल के बूते को 2-3 दिन के लिए भिगोया गया। फूल निकलने पर पौधे को काट कर सुखा लिया गया और पाउडर बनाया गया। कुछ खास तरह के केमिकल का इस्तेमाल करके पाउडर से सिंथेटिक बिरयानी टैबलेट बनाया गया, जो पानी में डालते ही यह हैवी मेटल सहित विषाक्त पदार्थ और हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। मशरूम से हम लोगों ने बीट्स बनाई हैं, छोटी छोटी गोलियां बनाई हैं और इन गोलियों के माध्यम से हम लोग गंगा के जल को शुद्ध बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हेवी मेटल पोल्यूशन को हम रेमेडिएट करेंगे। और ये जो गोलियां बनाई गई हैं, ये गोलियां प्लूटोरस फ्लोरिडा नामक एक मशरूम से बनाई गई हैं और ये मशरूम खाद पर्पज़ में भी यूज़ किया जाता है। ये एक एडिबल मशरूम है जिसको खाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। गंगा को स्वच्छ करने के लिए इन टैबलेट को जल्द प्रयोग में लाने के लिए आईआईटी बीएचयू अब पेटेंट भी करवाने की तैयारी कर रहा है, ताकि इतने बड़े स्तर पर तैयार करके गंगा की निर्मलता में इसकी भूमिका जल्द से जल्द तय कर दी जाए। रोहित सिंह, भारत समाचार, वाराणसी।